не мапа. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रंगे सुखन नसीम अदा के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बल्तिस्तान के मशहूर व मारूफ नात ख्वां मद ख्वां, इंतहाई खूबसूरत और दिलनशीन आवाज़ के मालिक जनाब ज़हीर अब्बास सहर साहब। आप बड़े फर्जंद अर्जुमन हैं सरताज मदखान बल्तिस्तान मरहूम मग़फ़ूर ज़ाकिर अहले बैत मोहम्मद हसन सहर के। मोहम्मद हसन सहर का एक दौर था, एक अहद आवाज़ के हवाले से, मदखानी के हवाले से, मरसिया खानी के हवाले से, अगर एक अहद अगर हम कहें तो बेजा नहीं होगा। उनकी आवाज़ में जो तासीर थी, उसमें जो सोज था, जो लहर था, और उनके पढ़ने का जो अंदाज़ था, या उनकी आवाज़ की ऊंचाई थी, या उनकी जो आवाज़ का लहर और आहंग, अगर उसके हवाले से अगर बात करें तो आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग इनके दिलदादा हैं। अल्लाह को जो मंजूर था, उनके फैसले हमारे हक में ही होते हैं, उनको ये मंजूर था कि वो बहुत जल्द हमसे बिछड़ गए, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी इस फ़ज़ा में गूंजती सुनाई देती है। अब भी जब भी कहीं पे महाफिल का इनेकाद होती है, कहीं पे कोई शादी ब्याह का मौका होता है, तो हर जगह पर उनकी आवाज़ हमें इस फ़ज़ा में गूंजती हुई सुनाई देती है, हमारे कानून से टकराती है। तो उनकी यादों के हवाले से अगर मैं ख़ुद भी अगर बात करूँ तो शायद पूरी रात गुजर जाए, प्रोग्राम में सकत ना हो कि वो सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सके, लेकिन उनकी यादें ख़त्म नहीं होती। तो आज हमारा प्रोग्राम हसन सहर की यादें, ज़हीर सहर की ज़बानी, ये हमारे आज के इस प्रोग्राम का उनवान है। लेकिन इनसे हम खैर इस हवाले से नहीं पूछेंगे कि ये सवाल अगर मैं पूछूं तो शायद भेजा होगा कि आपको फैमिली फंक्शन के दौरान वो याद आते होंगे, या हर खुशी और गमी के मौके पर याद आते होंगे। ये तो ज़ाहिर सी बात है, फितरी सी बात है, हर किसी को याद आ जाती है, और वो एक ऐसा अजीम बाप जिसका किरदार हो, जिसकी इंतहाई खिदमत हो, खुसूसन ज़िक्र अहले बैत के हवाले से, तो उनका याद आना तो ज़रूरी ही है। लेकिन हम फोकस करेंगे उनके कसीदा खानी के हवाले से, इनकी क्या यादें जुड़ी हैं। तो सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने मौका दिया आपने होस्ट हुई प्रोग्राम में पढ़ने का। बिल्कुल मौका देना चाहिए। ये एक तो आप भी बेहतरीन मदफ़ा हैं, बेहतरीन और खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, आपने भी अपने वालिद के मिशन को जारी रखा हुआ है, और दूसरी बात उस वालिद से आपकी निस्बत है जिनकी वजह से, जिन्होंने एक नई ज़िंदगी दी, एक नया उन्होंने कसीदा खानी को, मदह खानी को एक नए जहद में उन्होंने पेश किया। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएगा, मरहूम हसन सहर जो आपके वालिद ग्रामी थे, उनको हर जगह से दावत आती थी जलसों में, मुख्तलिफ़ किस्म के महाफिल में, तो जब उनको दावतनामा उनको मिलता था तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या होती थी? जी बिल्कुल, जब उनको मुख्तलिफ जगहों से जब दावत आते थे तो हर जगह कोशिश करते थे कि हर जगह जाने की कोशिश करते थे, तो अक्सर ये होता था कि एक ही जगह से या मुख्तलिफ जगहों से बार बार दावत आती थी, एक ही महफिल हो और हर जगह से दावत आती हो, मतलब तो पहले जिसने दावत पहले किया उनको ज़्यादा तरजीह देते थे और उनके महफिल अटेंड करते थे। मतलब पहले आए पहले पाए की बुनियाद वाली बात, जिसकी दावत पहले आती थी उसको वहाँ पर आप पहले जाते थे। अच्छा, बहुत सारे उनके कसीदों की अगर हम फिरिस्त अगर गिनवाना शुरू कर ले तो बहुत तवील है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कसीदे पढ़े हैं।
लेकिन और खुसूसन इससे पहले भी किसी और प्रोग्राम में हम किसी और मेहमान के साथ इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तरस खानी के हवाले से भी, जी बस्ती तरस के हवाले से भी उनकी खिदमात हैं। जी तो आप ये बताएं, वो सबसे ज्यादा कौन सा कसीदा पढ़ते थे? जी सबसे ज़्यादा लोगों की भी फरमाइश होती थी कि वो अब्बास रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पढ़े, जी, जिनमें से सबसे ज़्यादा बल्कि एक कसीदा मशहूर ज़माना है, जो मजिन जी जी सोने से बिल्कुल। जर को खुदाई अली, ये ज़्यादा लोगों की फरमाइश होती थी, ये ज़्यादा पढ़े। तो नाजरीन भी ये चाहेंगे कि आपके जरिए से लोग उनकी याद को ताजा करें, तो वो चौक मुजन को कैसे पढ़ते थे? जी मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी जी जी आवाज़ में बिस्मिल्लाह उनकी जी, बताओ। तरस मिल पढ़ने की। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई में आपने उनकी जो है याद ताज़ा कर दी। जी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में आपने कोशिश की पढ़ने की। मौला उनको इस जिक्र के सदक़े में करवट करवट जन्नत नसीब हो, और मौला आपको हमेशा खुश रखें। मैं खुद चंद महाफिल की मैं गवाह हूँ कि खतीब बेबदल आगा हैदर मौसवी को बार बार मरहूम से इसी कसीदे की फरमाइश जी करते हुए मैंने नजदीक की ज्यादा फरमाइश हाँ होती मैंने देखा है, और आम आवाम की भी ख्वाहिश होती थी। वो कोई भी कसीदा पढ़ते थे तो जी, कहते थे कि आखिर में ये कसीदा जरूर ये सुना है, बिल्कुल और गालिबन इसका जी तर्ज भी उन्होंने खुद लगाया था। वो जी तर्ज के हवाले से भी, तर्ज लगाने के हवाले से भी उस्ताद थे। तो इसके साथ साथ एक दो कसीदे और भी थे जिसकी फरमाइश ज्यादातर लोग करते थे। एक मुझे याद है, ये अजली जबला खुदास जी वाला, वो अगर आप अपने जबान में या अपने अंदाज में एक बन मरहूम के अंदाज में अगर जी सुनाएं, तो हमारे नाजरीन को भी उसकी भी याद ताज़ा हो जाएगी। अजली जला खुदा
ओ चमास और गए खास वाह वाह परे वाह, फातिमना सल से वाह जी वाह, छो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ चमास और गए खास परे, फातिमना सल से छो वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। नमला नाज दरे आशिपा से छो मैदा रस पखे फातिमला कल से छो। वाह जी वाह, जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह, बहुत ही आला। जो भी जितने भी कसीदे हैं ज़्यादातर उनके तर्ज खुद लगाते थे, इनके आजकल के जितने भी नए कसीदा खान हैं वो सारे इनके फॉलोअर्स हैं, उनको देख कर उनकी तर्ज लगाए हैं। उन्होंने जो खिदमत की है वो बेपनाह है, इसको लोग याद रख रहे हैं और इसको जमाना मुद्दतों तक याद रखेंगे इंशाल्लाह। खैर बस्ती में तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पढ़े हैं, हर महफिल की वो जीनत थी, जीनत थे जो हर तमाम महाफिलों में वो शिरकत करते थे, हर महफिल का वो लाजमी जुज था। हसन सहर जिस महफिल में हो तो उस महफिल को कामयाब समझा जाता था, महफिल की या मजलिस की कामयाबी की अलामत समझी जाती थी कि अगर वहाँ पर हसन सहर मौजूद हो। तो अल्लाह को जो मंजूर था कि वो दावे मफारकत दे गए। अब ये हमारे नाजरीन जिनकी ज़्यादातर ताल्लुक उर्दू जबान बोलने वाले या सुनने वाले हैं या दीगर जबानों की है लेकिन उर्दू लाजमी तौर पर समझते हैं, तो उर्दू में भी मनकबत वगैरह नाते वगैरह पढ़ा करते थे, उर्दू उर्दू मनकबत की भी हाँ फरमाइश होती थी, तो इसका बहुत सारे मनकबत नमूना पेश करें जी। बहुत सारे मनकबत थे जिनमें से अक्सर जब महफिल में होते थे तो शहीद मोहसिन नकवी के सवाब लेकर मैं क्या करूंगा, वाह जी वाह, है हुब्बे हैदर से दिल मुअत्तर, वाह वाह गुलाब लेकर करूंगा, वाह 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 वाह, लहद में
वाह 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 जी, सुभान हिसाब लेकर मैं क्या करूंगा, वाह जी वाह, लिखी है ना हिसाब लेकर मैं क्या करूंगा। वाह जी वाह, जज़ाकअल्लाह। वाकई में जब भी किसी महफिल में कसीदा पढ़ने के लिए जाते थे तो तभी इतने ज़्यादातर वो इसी रुबाई को पढ़ते थे, और शायद उनको इल्हाम हुआ हो ज़्यादातर उसी हिसाब किताब या उसी नादे अली के हवाले से। और नादे अली का वर्द करते करते इस दुनिया से गए हैं, तो हमें यकीन है कि अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किए हैं। और साथ ही हम दुआ भी करते हैं प्रोग्राम के दौरान, जितने भी नाज़रीन हमें देख भी रहे हैं वो भी, उन सब से भी यही गुजारिश है कि इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की दुआओं की वजह से इनके दर्जात जो बुलंद हैं वो इंशाल्लाह बुलंदतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। तो आखिर में आपसे एक और मैं चीज़ ये पूछना चाहूँगा। खैर, आप भी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक है। आपकी सूरत में अल्लाह ने अगर उनको हमसे वापस ले लिया, वो एक बड़ी नियमत थी, इसको हमसे अगर वापस ले लिया है तो आपको अल्लाह ने उनकी तस्वीर बना के छोड़ गए हैं, तो बेहतरीन लब लहजे के मालिक है, बेहतरीन आप अंदाज में मनकबत खानी, मदा खानी, नुआ खानी करते हैं, तो अब आप इस स्टेज पर आ गए हैं कि आप समझ सकते हैं कि आप कोई अगर उस्ताद आपका हो तो कौन हो सकता है, ये किसी से आप सीखे। तो आपके मेरे अपने सवाल में ही मैं ये जवाब बता देता हूँ कि आप लाजिमन अपना उस्ताद अपने वालिद जी मरहूम को ही बिल्कुल मानते होंगे, लेकिन जी, सबसे ज्यादा आप उनकी कौन से मनकबत या कौन से मदह सराई या कौन से कसीदे से आप मुतासिर थे? आपका पसंदीदा कसीदा कौन सा था जो वो पढ़ते थे? बहुत से मनकबत थे और कसाइद भी है जो वो पढ़ते थे, मुझे जो भी पढ़ते थे अच्छा वाकई लगते में थे वो तो जी। उनका अंदाज ही उनका ऐसा आवाज़ था, ही ऐसा था कि मनकबत के लिए भी फिट था, हर मतलब लिहाज से, दोहे भी पढ़े, मरसे भी पढ़े, जो भी पढ़े उनकी आवाज़ के लिए फिट था, लेकिन जो इसमें हर चीज़ मोस्ट फेवरेट आपका जो जी। कौन सा है उस हवाले से? जो अगर कस्दे के हवाले से देखें तो सबसे में पसंद जो अभी मैंने पढ़ा था चौहम चौहम्मदिन मस्जिद, वाकई में अब्बास का, ये मैं वो तो बहुत पसंद शुक्राए करता आफाक था था, वाकई में, हर लोग भी यही पसंद करते थे। बिल्कुल जी। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में आप माशाल्लाह से एक मिसाल है सबके लिए कि इतने बड़े गम का पहाड़ अगर मैं कहूँ वो टूटा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। एक मिशन उन्होंने जिसको शुरू किया था उसको आगे आपने बढ़ाया, मदा खानी के इस मैदान को, जिस बाप को जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था वहाँ से आपने इसको आगे लेके गया, इसके की वाकई में दाद देनी पड़ेगी, लायक दाद है कि आपकी हिम्मत को, आपने उस गम को मिशन में तब्दील कर दिया। तो कौम के जो नौजवान हैं वो सब आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी अगर जिंदगी में गम और खुशी जिंदगी का हिस्सा है, वाकई में जिंदगी में कभी खुशी का मौका कभी गम का मौका ये आते हैं, तो हमें हौसला पस्त नहीं होना चाहिए कि हमें माशाल्लाह अपने जी, मिशन पे डटे रहना चाहिए, कि हमें अपने मिशन को कामयाब रखने बहुत के है, लिए बहुत कोशिश करें, बिल्कुल जी, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है माशाल्लाह बहुत आला। जी। ये आप देख लें, इन्होंने इतने बड़े एक लिहाज से अजीम बाप भी था, लेकिन इनके साथ दोस्तों जैसा था और इस मनकबत खाने के मैदान में उस्ताद भी था, लेकिन इनसे बिछड़ने के बाद भी इनके मिशन को जारी रखते हुए हिम्मत या हौसला पस्त हुए बगैर बाहिम्मत अंदाज से इसको इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो हम आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर हम दुआगो हैं अल्लाह ताला इस जिक्र के सदक़े में मरहूम मोहम्मद हसन सहर के दर्जात बुलंद हों, और आमीन इनके फर्जंद अर्जुमन जहीर अब्बास सहर और इनके पूरे खानवादे की तौफीकात खैर में इजाफा हों, और इनकी खुशियाँ इससे आगे इनकी मुकद्दर बने। तो वाकई में आपका मैं बेहद शुक्र गुजार आपका हूँ ओएस टीवी शुक्रिया। की पूरी टीम की जानिब से कि आपने एक बार फिर हमें और हमारे तमाम नाजरीन को हसन साहब की याद
ताज़ा कर दी उनके अंदाज में जो कसीदे और मनकबत के नमूने पेश करके। तो आपके हक में हम दुआगो रहेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे अपने प्यारे मेहमान के साथ। आपके मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।